नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आया होगा कि हम किसी को मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं लेकिन वो आपके इंटरनेट बैंकिंग के बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे मोमेंट में या तो आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर का ऑप्शन यूज करते हो या फिर उनको अपने बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐड करते हो, मगर दोनों में कुछ ड्रॉबैक्स है। अगर आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर का ऑप्शन यूज करोगे तो उसमें भी आपको बेनिफिशियरी के अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड वगैरह चाहिए होगा और आपको जो है इंटरनेट बैंकिंग का जो साइट होगा उसमें लॉगिन करना होगा। लेकिन उस मोमेंट में अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है या फिर जो बैंक का वेबसाइट है वो डाउन है तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे और उसी तरह से आप मनी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। दूसरे ऑप्शन में आप अगर उनको अपने बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐड कर लेते हो तो बेनिफिशियरी एक्टिवेशन के लिए 1 डे का टाइम लगता है और इसीलिए आप एक दिन का जो आपका पेमेंट होगा वो डिले हो जाएगा। इसीलिए आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप का यूज करके 1 मिनट के अंदर किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें जानना जरूरी है। सबसे पहला कि व्हाट्सएप पेमेंट जो है उसको अभी तक RBI ने अप्रूवल नहीं दिया है, इसीलिए आपका जो व्हाट्सएप ऐप होगा उसमें आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए कोई आदमी जो इस ऑप्शन को अभी यूज़ कर रहे हैं वैसे आदमी को आपको नोटिफाई करना होगा। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि आप व्हाट्सएप जिस नंबर में यूज़ करते हो वही नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होना चाहिए, अदरवाइज आप इस फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर पाओगे। ये 2 चीज़ें करने के बाद आप व्हाट्सएप पेमेंट जो ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको किसी से नोटिफाई करवाना होगा जो व्हाट्सअप पेमेंट का यूज़ अभी कर रहे हैं। तो उनके व्हाट्सअप में जाके आपको कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके वहाँ पे जब अटैचमेंट में जाएंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप उसमें क्लिक करोगे तो नोटिफाई का बटन दिखाई देगा, उसमें क्लिक कर लें। एक बार नोटिफाई कराने के बाद आपको आपके व्हाट्सअप में पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अपना व्हाट्सअप खोल लें, ओके। उसमें कोने में 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उसमें क्लिक करें, उसमें सेटिंग्स में जाएँ तो आपको पेमेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप पेमेंट्स में क्लिक करोगे तो सारे बैंक का जो लिस्ट है यहाँ पे आ जाएगा। इसमें सारे पब्लिक, प्राइवेट, इवन आपको ग्रामीण बैंक्स सब मिल जाएंगे। तो आपको आपका बैंक सिलेक्ट करना है एंड ध्यान रखना है कि उस बैंक में आपने इसी फ़ोन नंबर का यूज़ किया है, अदरवाइज आप व्हाट्सअप पेमेंट ऑप्शन का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए, मैं अपना बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लीजिए, ओके। ये देखिए आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो रहा है। तो इस फोन नंबर के साथ रिलेटेड जो अकाउंट होगा उस बैंक में वो आपको अभी दिखाई देगा। ये देखिए गेटिंग बैंक अकाउंट, ये देखिए अकाउंट आ गया। जैसे आप उसमें क्लिक करोगे तो आपका सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए सेटअप कंप्लीटेड, आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा। आप सेंड योर फर्स्ट पेमेंट में जब क्लिक करोगे तो आप किसी को भी पेमेंट सेंड कर सकते हो। तो लेट्स से मैं किसी को 10 रुपये सेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल लिया। तो इसमें मैं कुछ भी मैसेज लिख सकता हूँ, लेट्स से मैंने लिख दिया MISC। अब जैसे ही आप पेमेंट में क्लिक करोगे तो आपको UPI पिन यूज़ करना होगा। अगर आपके पास UPI पिन नहीं है तो आप डोंट नो योर UPI पिन में क्लिक करें, ओके। तो आपको डेबिट कार्ड का यूज़ करके आपको UPI पिन सेटअप करना होगा। कंटिन्यू में क्लिक करें, यहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड का डिटेल डालें, ओके। एक्सपायरी डेट वगैरह डाल दीजिए यहाँ पे। ये 1 टाइम प्रोसेस है, आपको पहली बार के लिए आपके अकाउंट के लिए UPI पिन सेटअप करना है। उसके बाद आपको पेमेंट के लिए खाली आपका UPI पिन का यूज़ करना है। देखिए सेटिंग अप UPI पिन, ओके। ये देखिए कंप्लीट हो गया, UPI पिन सेटअप हो चुका है, ओके। तो आप अब सिंपली पेमेंट कर सकते हो। ये देखिए पेमेंट हो गया, मैं और एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए मैं जब सपोज इनको मैं सेंड करना चाहता हूँ तो पेमेंट में क्लिक करेंगे, लेट्स से 10 रुपये सेंड करने वाला हूँ, तो 10 क्लिक कर लिया अमाउंट। उसके बाद जैसे सेंड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको UPI पिन यूज़ करना होगा। सेटअप करने के बाद आपको खाली UPI पिन यूज़ करना होगा। देखिए ये देखिए पेमेंट हो चुका है, ओके। तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि जिनको मैंने सेंड किया उनके व्हाट्सएप में कैसे दिखाई देगा। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। इवन आपको SBI UPI से मैसेज भी आ जाता है कि हो गया आपका पेमेंट, तो ये फुल्ली सिक्योर है। तो मैं उनके व्हाट्सएप में आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ से कैसे दिखाई देता है। ये देखिए मैंने जिनको सेंड किया उनके व्हाट्सएप में इस तरह से दिखाई देगा, ओके। तो पेमेंट उनको मिल चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।